नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। बिहार बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट, मचान में जिंदगी गुजार रहे हैं लोग। यूएस ने बताया चीन ने WHO हेड को खरीद लिया था, इसलिए कोरोना नहीं रोक पाया। यूएस ने कहा कि कोरोना का फायदा उठाकर चीन ने किया भारत की जमीन कब्जाने की कोशिश। नेपोटिज्म पर अनुराग और रणवीर के बीच ट्विटर वॉर, कौन चापलूस पर छिड़ी बहस। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके में आतंकी ठिकाने का पता चला। लखनऊ के लोक भवन के सामने आत्मदाह का प्रयास करने वाली मां बेटी में से मां सोफिया की मौत। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या पर राहुल का ट्वीट, वादा था रामराज का, दे दिया गुंडाराज। बिहार के समस्तीपुर के सिविल सर्जन की कोरोना से पटना के एम्स अस्पताल में मौत। पीएम मोदी का इंडिया आइडिया समिट में आज रात 9 बजे संबोधन, ट्वीट कर दी जानकारी। पायलट मामला, राजस्थान के स्पीकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं याचिका। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सभी प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन होगी प्रवेश परीक्षा। अमेरिका के शिकागो के ग्रे शाम नेबरहुड में फायरिंग, 11 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद में गोली लगने से पत्रकार विक्रम जोशी की इलाज के दौरान मौत। पत्रकार का शव लेने से परिवार का इनकार, कहा आरोपी को पकड़े। गाजियाबाद में घोषित 21 कंटेनमेंट जोन सील, मजिस्ट्रेट की हुई तैनाती। IGI ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य किया। बंगाल में सामुदायिक प्रसार शुरू, हफ्ते में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन। खास महिलाओं की बनाई राखियां को बेचने में मदद करेंगे आयुष्मान, दिल्ली के NGO में भी पत्नी संग करेंगे मदद। UAE में होगा IPL 2020 का आयोजन, गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन पटेल ने की पुष्टि। हितों के टकराव मामले में दोषी पाए गए मयंक पारिक, BCCI के आचरण अधिकारी ने कहा किसी एक को चुने। इंग्लैंड वर्सेस IRE में मोइन अली को मिली बड़ी कामयाबी, बने टीम के उपकप्तान। टीम इंडिया एडिलेड में 14 दिन आइसोलेशन में रहेगी, BCCI अध्यक्ष गांगुली इसके पक्ष में नहीं। कोरोना वायरस की वजह से इंग्लैंड दौरे पर नहीं जाएगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। ICC की टेस्ट रैंकिंग में स्टोक्स पहली बार नंबर 1 ऑलराउंडर बने। प्राइवेट प्लेन से पहुंचेगी ऑस्ट्रेलियाई टीम, 4 सितंबर से खेली जा सकती है सेक्स 3 T20 और 3 वनडे की सीरीज।